इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है राज्य स्तर पर, और उस सॉफ्टवेयर की एक निहित प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत ही तो अथॉरिटी नोडल को दिए कि आप जो है लॉटरी निकालेंगे, और उस जैसा निर्देश था उस हिसाब से हमने लॉटरी निकाला। तो नोडल ने निकाले थे लिस्ट इसके जितने भी? हाँ, उसने नोडल ने निकाला था। तो उसके बाद दूसरे विभाग से कैसे जारी हुआ लिस्ट? एक ही विभाग है भाई, एक ही विभाग। वो जो है हम जो है हमारे ऊपर बीओ है, बीओ के ऊपर डीओ है, डीओ के ऊपर लोक शिक्षण संचालनालय, इसको हम बोलते हैं डीपीआई, जो पूरे छत्तीसगढ़ को देखता है, उसने लिस्ट जारी। विभागीय लापरवाही हुई है जिससे 40 बच्चों का नाम कट गया है, तो इस दिशा में आप लोग विभागीय क्या प्रयास करते हैं? आरटीआई के संबंध में जो शिकायत हो रहा है उसके बारे में हमारे पास अभी किसी प्रकार के लिखित आवेदन नहीं है। लिखित आवेदन प्राप्त होने पर भी हम उसकी जांच कराएंगे और जो गलत किया होगा उस पर कार्रवाई भी करेंगे। सर, तो इसकी जानकारी ऊपर तक दिए हैं आपने कि नहीं, यहीं तक ये बात है? नहीं, हमारे पास अभी तक लिखित आवेदन आए नहीं है कोई भी किसी प्रकार का, इसलिए हम ऐसे उच्च कार्यालय में इसकी जानकारी नहीं दे पाए। जैसे ही हमें प्राप्त होगा तो जांच वांच करने के बाद उच्च कार्यालय को इसके संबंध में अवगत कराया जाए। तो जैसे कि कहा गया मैडम का कि मतलब वो बी ऑफिस से ही मतलब ऑपरेटर को बुलाया गया है, जो कि लिस्ट निकाले? नहीं, इसके बारे में नहीं। इसमें जो नोडल अधिकारी है वो सक्षम है, किसी भी प्रकार के बीओ ऑफिस का कोई भी कर्मचारी अधिकारी या कोई हस्तक्षेप नहीं, वो स्वतंत्र है। यदि वो सहयोग के लिए कहीं बुलाकर कार्य कर रहा होगा इसके संबंध में मुझे कोई जानकारी। ये दो लिस्ट में इतनी सारी भिन्नता पाई गई है, इससे पालक इधर उधर भटक रहे, इसके जवाबदार कौन होंगे, किसके ऊपर जवाबदारी इसकी? सर, हमको जैसे उच्च कार्यालय से निर्देश प्राप्त हुआ था उसके आधार पर हमने लॉटरी निकाला, और लॉटरी निकालने के बाद 4-5 दिनों के बाद कई पालक आए और ये बोलने लगे कि लिस्ट में जो आपने लिस्ट निकाला है उसमें हमारे बच्चे का नाम नहीं है, लेकिन अलॉटेड बाय लॉटरी दिखा रहा है। उसके बाद हम थोड़ा सक्रिय हुए कि ऐसा कहाँ गड़बड़ी हो गई। उसके बाद में फिर मेरे जो आरटीए देखते हैं साहू सर, दुर्गा प्रसाद साहू, उनको मैं बोली और उनके साथ मैं बड़ौदा बाजार गई डीओ ऑफिस, वहाँ पे कमल करके जो है उनको वो देखते हैं, तो मैं उनसे बोली कि सर ये ऐसी सी भिन्नता आ रही है, हम लोग क्या करें, क्योंकि बहुत सारे पालक आ रहे हैं। तो वो बोले कि आप एक काम करिए, आप डीपीआई का में जाके अपनी समस्या का समाधान करिए। तो मैं डीपी साहू सर को डीपीआई भेजी, और डीपीआई भेजने के बाद वहाँ से उन्होंने हमको एक लिस्ट दिया, जिस लिस्ट में जो हम लोग निकाले थे उनको उन्होंने कहा है कि आप जो लिस्ट निकाले हैं वो सूची में इसलिए भिन्नता आ रही है क्योंकि जानकारी का अभाव था आपको, और स्थाई आपने उसको स्थाई समझ लिया था लेकिन ये स्थाई नहीं था या स्थाई था। फिर उन्होंने हमको एक सूची दिया, उस सूची के आधार पर हमने अपने सभी विद्यालय को बुला के उस सूची को दिया और कहा कि इसी के आधार पर आपको बच्चों का एडमिशन देना। अच्छा, लिस्ट निकाले थे उससे पहले आपको कुछ सूचना दी गई थी ऊपर से कि नहीं दिए थे? हमको कोई सूचना नहीं थी सर, हमको जैसा उन्होंने बताते गए उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग लॉटरी निकाले।